नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो, रियल एनालिसिस। बहुत बढ़िया। तो रियल एनालिसिस की सर गुफ्तगु चल ही रही है, आप लोग जानते ही हो। आज का जो अपना सर टॉपिक है रियल एनालिसिस के अंदर, वो रहने वाला है ओपन सेट और क्लोज सेट। बेसिकली हम ये समझेंगे कि सर ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी चाहिए, मतलब किसी सेट को जज करते टाइम इनसे जुड़े हुए सर थ्योरम्स क्या हैं। बेसिकली एक थ्योरम है, उसको हम देखेंगे, उसका प्रूफ भी देखेंगे, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और सर हम देखेंगे इन्हीं टॉपिक के ऊपर लगभग लगभग 30 के आसपास स्टेटमेंट हैं जो हमें जज करनी है। वो हैं तो सेट की शक्ल में ही, हमें जज करना है कि वो ओपन होगा, क्लोज होगा, कुछ ट्रू फॉल्स भी हैं, कुछ जस्टिफिकेशन भी है, वो सारी बातचीत हम लोग आज करेंगे। तो देखें सर, इससे पहले मैं जो है स्टार्ट करूँ आज का कार्यक्रम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा मेन टारगेट जो है वो यूपीएससी है, बाकी जो आईआईटी जैम देने वाले हैं और गेट देने वाले हैं और अपना कोई भी एमएससी का जो एंट्रेंस होता है भारत देश के अंदर, वो अगर आप देने के इच्छुक हैं तो सर उसके लिए भी आपको ये चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि आप देखो यूपीएससी में हम जो है बात करते हैं बिल्कुल डिटेल के अंदर, डिटेल में मतलब आप ये समझे कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अंदर तक, और वहाँ तो लिखने का भी जो है वो दिक्कत रहता है क्योंकि प्रेजेंट कैसे करना है। तो आप ये समझे सर, जब आप इतना देख ही लेंगे तो एमसीक्यू तो क्या ही, आप वो तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, बाकी हम प्रीवियस ईयर जो है वो करेंगे भी, टेंशन ना लो। तो देखो जी स्टार्ट कर ही देते हैं। तो सबसे पहले सर हम बात करने वाले हैं ओपन सेट की। हम ये समझते हैं कि कब कोई सेट जो है उसको ओपन सेट बोला जाएगा। बहुत ही बढ़िया। कहता है अ सेट इज इस सेट इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। कहता है जी अगर आपका सेट कुछ ऐसा है कि वो सेट अपने सारे मेंबर्स का या अपने सारे पॉइंट्स का क्या है, नेबरहुड है, तो हम बोलेंगे जी वो सेट कैसा है, आपका ओपन है। ठीक। अच्छा देखो, अब कईयों के मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि ये नेबरहुड किस बला का नाम है, आ ही रहा होगा भैया, लाजमी भी है। तो सर अगर आपको नेबरहुड जो है वो नहीं पता क्या चीज़ होती है, तो मेरा सुझाव ये है ओपन सेट और क्लोज सेट आप बाद में समझिएगा, पहले आप ये समझें। प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो वीडियो है, नेबरहुड क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, उसके बाद अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझोगे तो सर एकदम बटर स्मूथ जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो हमें क्या समझ आया कि कोई सेट ओपन तब होता है जब वो अपने हर एक मेंबर का या अपने हर एक पॉइंट का सर जी क्या बने, नेबरहुड बने। इसको देखो मैथमेटिक्स की भाषा में लोग कैसे कहते हैं, कहते हैं वी कैन से दैट ए इज ओपन सेट इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन व्हिच इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट दिस ओपन इंटरवल बिलोंग्स टू ए। और सर अगर आपको याद हो ये जो ओपन इंटरवल है ये किसकी कंडीशन है, नेबरहुड की ही कंडीशन है ये, बाकी तो है ही नहीं कुछ। देखो मेरे को बताना सर कमेंट में, क्या ये जो कंडीशन है ये नेबरहुड की कंडीशन अपनी है कि नहीं है सर जी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो जो है इस ओपन सेट के ऊपर, फिर जो है सर आगे चलेंगे। अच्छा देखो, अगर आप लोगों को सर कोई भी डाउट रहता है ना किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, यूपीएससी हो मैथ्स का, आपका आईआईटी जैम हो मैथ्स, आपका लाइक कोई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है मैथमेटिक्स का, या कोई टॉपिक में आपको इशू आ रहा है, तो आप ही लोगों के लिए एक सर ये नंबर है 93101 72405। आप इस पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, बट कॉल करने से पहले एक बार या व्हाट्सएप कर देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे लिए भी, और क्योंकि मैं उसी हिसाब से फिर आपको टाइम दे पाऊँगा ना। तो अभी देखो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कब सेट ओपन सेट बनेगा, कब सेट ओपन सेट नहीं बनेगा। तो मैं जो है कुछ लिखता हूँ वाइट बोर्ड पे अपने एग्जाम्पल और फिर हम लोग जज करते हैं। देखो तो पहला जो स्टेटमेंट है देखो ये क्या कहता है। अच्छा जिसको ये नोट्स अगर चाहिए हैं तो नोट्स के लिए आप लोगों को क्या करना है सर, पे तो कुछ भी नहीं करना है, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक गिवन है,
लिंक पे क्लिक करोगे चैनल आ ही जाएगा, ज्वाइन कर लोगे। वहाँ पे आपको क्या है, ये जो है जो हम करते हैं क्लास में, इसके नोट्स ये लिखे हुए हैं मैंने, बिल्कुल साफ़ सुथरी बनाए हुए हैं अच्छे खासे, आपको वहाँ पे मिल ही जाएंगे। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, ये कहता है लिखिएगा, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड, इसको बाद में आप लोग नोट कर ही लेना। अभी मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ और उसके बाद हम उसको जज करेंगे। स्टेटमेंट कहता है जी, लिखो सर, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। क्या कहता है, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। तो समझते हैं सर जी क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास कोई ओपन इंटरवल है, लेट से ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। वो ये कह रहा है कि ये जो ओपन इंटरवल है ये ना एक ओपन सेट है। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से, क्या सर आप इस बात से एग्री करते हो, क्या ये वाकई में अपना एक ओपन सेट है? हमने ये देखा था पिछले कुछ क्लासेस के अंदर, लाइक ये जो ओपन इंटरवल होता है, क्या ये अपने हर एक मेंबर का नेबरहुड होता है? बताओ, आप कहोगे होता ही है भैया, हमने समझा था ना, ऐसे नंबर लाइन बना के देखो कि ये अपना ए है, ये अपना बी है, इनके बीच के जितने भी मेंबर हैं, आप कोई भी मेंबर कंसीडर कर लो, लेट से ये मेंबर, तो इसमें आपको ये प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन वाला जो ये इंटरवल है ये देखने को मिल ही जाएगा। यानी हम ये बात समझते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से, क्या कि आपका जो ओपन इंटरवल है उसके बीच में जो भी मेंबर आते हैं, ये ओपन इंटरवल उन सबका क्या बनता है, बोलो जी क्या बनता है, नेबरहुड बनता ही है। अगर ये नेबरहुड बनता है सर उन सब का, तो ये कैसा सेट है अपना, एक ओपन सेट है क्या? लगा दी जाए सर जी स्टैम्प, क्या कहते हो? चलो जी बहुत ही बढ़िया, तो ये ओपन सेट है। अब देखो आप लोग कह रहे हो तो भैया स्टैम्प लगानी ही पड़ेगी, आपकी बात थोड़ी नकारी जा सकती है। चलो जी बढ़िया, मैं सेकंड स्टेटमेंट बोलता हूँ, फिर उसको भी हम जज करने की कोशिश करेंगे। देखो सेकंड स्टेटमेंट ये है अपने पास, लिखता हूँ सर जी मैं, उसके बाद ही उसको जज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये है अपने पास सेकंड जो है वो इंटरवल, ये है ओपन ए बट बी पे क्लोज्ड। तीसरा सर ये है, लिख लेते हैं फिर इनको वन बाय वन हम लोग जज करेंगे। वैसे तो जज करना नहीं चाहिए किसी को, बट अभी सर अब जज करना ही पड़ेगा। फिफ्थ देखो सर, आप ये मान के चलो गुरुकुल ऑफ साइंसेज जो अपना चैनल है, फिलहाल तो मैथ ऑप्शनल है, तो मैं मैथ ऑप्शनल की ही बात करूंगा आप लोगों से। आपको यहाँ पे मैथ ऑप्शनल जो डिमांड है यूपीएससी का, तो सर आप ये मान के चलो यहाँ पे आपको डिमांड से थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा। मतलब आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा यहाँ से पढ़ने के बाद कि यार ये केस ना कवर नहीं किया, मज़ा नहीं आया, अब ये केस मैं कहाँ ढूंढूँ, ठीक। और बहुत सारे सर ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बुक में अच्छा होता है, किसी दूसरी में वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो दूसरी में अच्छे हैं बट पहली में अच्छे नहीं है। तो दुविधा रहती है मन में कि कौन सी पुस्तक हम लोग खरीदें। आप देखें सर जी, स्टूडेंट लाइफ में हैं अभी, हालांकि हर कोई स्टूडेंट लाइफ में ही है, टीचर भी स्टूडेंट ही रहता है ज़िंदगी भर जो है, बट अभी क्या आपके पास अर्निंग का उतना जो है वो सोर्स होगा नहीं, तो आप कोशिश ये करा करें कि किताब कम से कम खरीदें। और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि मैं ये जो सारा का सारा मामला है मैं आपको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करूं कि सर आपको ये देखने के बाद ना किताब खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक। तो जो भी अपनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जिस बुक से जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया होता है, जिस बुक में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल कवर किए होते हैं, और इस बात को ध्यान रखते हुए कि क्या वो यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, उस हिसाब से जो है सर यहाँ पे क्वेश्चंस और ये जो कंटेंट है वो मैं लेकर आता हूँ, ठीक। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि आप लोगों का खर्चा कम से कम करवाया जाए, क्योंकि भैया हर कोई जो है वो इंडिया में इतना अमीर नहीं होता है, इतना पैसा नहीं होता है कि वो पढ़ाई भी करे, पढ़ाई के साथ साथ इतनी मोटी मोटी किताबें भी खरीदे, समझ रहे हो ना बात? चलो जी बढ़िया, अब सर जी थोड़े से और लिख लेते हैं ना, बातचीत हो ही जाती है देखो बीच बीच में। और अभी क्या बहुत जल्द एक वीडियो लेके आएंगे
कि आप लोग अपनी हैंडराइटिंग को जो है वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि तो सर आप जानते हो हैंडराइटिंग, जब आंसर आप लिखोगे तो हैंडराइटिंग एक बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करती है। हैंडराइटिंग अच्छी होती है तो क्या है, टीचर को भी जो है वो ज़्यादा कष्ट होता नहीं है समझने में कि आपने क्या आंसर लिखा हुआ है या आप क्या समझाना चाह रहे हो। लेकिन सर हैंडराइटिंग ज़रा सी गड़बड़ है तो टीचर को फिर कष्ट होता है। आप खुद ही देख लें, आप अच्छी हैंडराइटिंग पढ़ने में ज़्यादा सहज फील करते हैं, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, या ख़राब राइटिंग जब पढ़ते हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जल्द ही वीडियो लेके आएंगे उसकी। जब मैं छोटा था तो मेरी जो राइटिंग थी मैं आपको दिखाऊंगा, आप अगर देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे जी, ऐसे कॉकरोच, आपसे भी गंदे कॉकरोच जो है मैं मारा करता था। बट खैर टाइम के साथ इम्प्रूव हुई है, अब जो प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है आप करेंगे तो सर आपकी भी इम्प्रूव हो ही जाएगी। खैर वापस आ जाओ जी अपने कॉन्सेप्ट पे, बातों में लग गए अपन लोग। कहता है जी आप इस इंटरवल को जज करें, आप देखें ये तो ओपन है ये क्लोज है। सर हमने देखा था ये जो इंटरवल है ये हर एक मेंबर का नेबरहुड बनेगा एक्सेप्ट बी, ठीक। क्योंकि मान लो जैसे ये बी है अपना, तो बी प्लस एप्सिलन तो ये है, बी माइनस एप्सिलन ये है ना, तो इधर वाला जी गायब है अपना सेट के अंदर है ही नहीं, समझ रहे हो बात। या बी अगर आप इधर ले लोगे तो बी प्लस एप्सिलन ये है, बी माइनस एप्सिलन ये है, तो बी प्लस एप्सिलन सेट के अंदर है ही नहीं। तो क्या मैं बोल दूं कि ये जो मेरा इंटरवल है ये एक ओपन सेट नहीं है? बोल सकते हैं सर ऐसा, नॉट एन ओपन सेट। क्यों बोल रहे हैं सर ऐसा, आप लोग समझ गए क्या लॉजिक? वेरी गुड, कमेंट में बताइएगा मेरे को। आप देखो कमेंट करते हो, लाइक करते हो सर, बड़ा अच्छा लगता है। बेसिकली जब आप कमेंट करके बताते हो तो वो क्या है, बहुत ठीक लगता है, मतलब ऐसा समझ आता है कि चलो किसी को तो समझ आ रहा है पढ़ाया हुआ। और दूसरा बात सर, आप लोगों को कोई अगर दिक्कत लगती है, आप कुछ सजेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, मोस्ट वेलकम है सर, आपका कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हूँ मैं इन चीज़ों को लेकर, ठीक। जैसे ही आप कुछ सजेस्ट करोगे थोड़ा सा उस पर रिसर्च करके, अगर वो आप लोगों के हित में होगा तो सर मैं उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सर ऐसे ही आप इस वाले इंटरवल पे आ जाओ, ये देखो ये जो है ये इंटरवल इसका नेबरहुड तो नहीं है, तो हम कहेंगे ये भी अपना एक ओपन सेट नहीं है, तो नॉट एन ओपन सेट है ना, ओपन की कैटेगरी में नहीं आता। ये तो सर जी महापाप हो जाएगा अगर इसे ओपन बोल देंगे तो हम लोग, क्यों समझ ही रहे हो, इन दोनों का ही तो मिला जुला केस है ये, तो ये भी क्या है अपना नॉट एन ओपन सेट, वेरी गुड। ये क्या कुछ छोटे मोटे से सवाल हैं जिनसे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये सेट देखो सर जी ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल तो हमेशा से क्या रहता है, ओपन सेट रहता ही है। इसमें आ जाओ सर जी, ये भी अपना एक कैसा इंटरवल है, आप कहेंगे जी ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब ओपन सेट है ना, ओपन इंटरवल है तो मतलब ओपन सेट, चलो जी बहुत बढ़िया। ये इंटरवल देखें आप सर, ये तो मसला हो गया, क्यों? ये देखो ये जो आपका इंटरवल है क्या ये ए का नेबरहुड बनेगा? आप कहोगे जी नहीं बनेगा, तो ये ओपन सेट नहीं है, ऐसे लिख देते हैं चलो शॉर्ट फॉर्म में, ये ओपन सेट नहीं है। सेम इसके साथ फंडा है, देखो क्या ये ओपन सेट बनेगा? आप कहेंगे जी नहीं बनेगा, तो ये भी जो है वो ओपन सेट नहीं बनेगा। इसका सर स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। अभी क्या है मैं कुछ और स्टेटमेंट्स बोलता हूँ और उनको फिर हम लोग जज करेंगे। तो स्टेटमेंट लिखिएगा सर, पेन पेपर लेके बैठो, स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट ये कहता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्या कहता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर, हमें ये जज करना है कि जो रैशनल नंबर का सेट है क्या वो एक ओपन सेट है। अच्छा क्या हम ये लोग जानते हैं कि जो रैशनल नंबर का सेट है, रैशनल नंबर का सेट क्या अपने हर एक एलिमेंट का या मेंबर का नेबरहुड होता है? आप कहोगे जी नहीं होता, ये तो हम पहले देख ही चुके हैं कि जो रैशनल नंबर का सेट है वो अपने मेंबर्स का नेबरहुड नहीं बन सकता। तो अगर वो नेबरहुड नहीं बन सकता तो सवाल अगला ये आता है
क्या हम इसको ओपन सेट बोलें, ये उचित रहेगा? आप कहोगे जी नहीं, ये तो घोर पाप हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यानी ये जो रैशनल नंबर का सेट है सर जी, ये एक ओपन सेट नहीं है। एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये जो है वो ओपन सेट नहीं है। ओपन सेट बोलेंगे तो घोर पाप हो जाएगा। अगला लिखें सर स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो अब सवाल ये है कि जो इरेशनल नंबर का सेट है क्या वो ओपन सेट है? देखो आप ऐसे सोचो, जो इरेशनल नंबर होते हैं, क्या इरेशनल नंबर का सेट एक नेबरहुड की तरह काम करता है अपने सारे मेंबर्स के लिए? आप कहोगे जी नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, हम देख भी चुके हैं। तो ये भी अपना जो है वो ओपन सेट नहीं है। ये क्या, थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं, क्योंकि अपना जो ब्रेन है वो कलर्स के प्रति सर ज़्यादा रिसेप्टिव है। तो जब आप नोट्स भी बनाया करो ना, तो आप कोशिश करा करो दो तीन कलर का इस्तेमाल करें। बाकी आप जब मेरे नोट्स देखेंगे तो सर मैं अपना ही पैटर्न फॉलो करता हूँ ये कलर वाला। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप ही को ज्ञान देता हूँ और खुद इसको फॉलो नहीं करता। आप देखोगे सर नोट्स में ना, डाउनलोड करके PDF, तो आपको हर जगह यही जो पैटर्न है वो देखने को मिल ही जाएगा, जो कलर वाली बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी सर, अगला सर स्टेटमेंट लिखिएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या है अपने पास, नेचुरल नंबर। आप देखें जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट क्या अपने हर एक मेंबर के लिए नेबरहुड का काम करता है? आप कहेंगे जी नहीं करता। जब करता ही नहीं है भैया, तो कैसा सेट बोलेंगे इसको? क्या कह रहे हो सर जी, ओपन सेट तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, है ना? बाकी हम देख लेंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसको। फिलहाल हम ओपन सेट को जज कर रहे हैं, तो ये ओपन सेट तो बिल्कुल नहीं है, तो ये ओपन सेट नहीं है। अगला देखें सर स्टेटमेंट, मैं एक दो साथ ही लिख देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे, मतलब जज करेंगे। अपने पास है इसके बाद इंटीजर्स, और सर अगर देखो आपको यहाँ से जो है पढ़ा हुआ समझ आता है, तो आप इसको क्या सर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करा करें। आप लोग देख ही रहे हो, चैनल अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, तो थोड़ा सा ग्रो कर ही जाएगा। देखो अब सर इतना तो मैं आप लोगों से डिमांड रख ही सकता हूँ, है ना, कि आप लोग बस शेयर कर दें सर, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं पैसे। ठीक, फ्री है वो काम, तो पैसे के लिए हम बोलते नहीं। तो इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। देखो इंटीजर्स की अगर हम बात करें, तो मेरा सवाल है क्या जो अपना सेट ऑफ इंटीजर है वो अपने सारे मेंबर्स के लिए क्या नेबरहुड का काम करता है? आप कहेंगे जी नहीं करता। तो यानी ये भी अपना ओपन सेट नहीं है। सही बात है। आ जाओ जी अस नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। हमने पहले भी देखा हुआ कि फाइनाइट सेट जो है वो अपने मेंबर्स का नेबरहुड नहीं होता, तो ये भी अपना एक ओपन सेट नहीं है। बहुत ही बढ़िया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लोज सेट जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं, थ्योरम देखते हैं, फिर कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट हम लोग जो है उनको जज करने की कोशिश करेंगे। तो उस्ताद जी अभी देखो हम लोग बात करते हैं किसकी, क्लोज्ड सेट की। तो एक तो मन में ये आ सकता है कि जी हम ऐसा बोल दे क्या, जो सेट ओपन नहीं है वो क्लोज होगा, ये भी तो आ सकता है भाई, वाजिब है आना। ऐसा नहीं है सर जी। क्यों, हम एक बार इनका डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद ही हम लोग ये चीज जज कर पाएंगे। तो डेफिनेशन कहती है देखो, अ सेट इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। ध्यान रखना, क्लोज्ड सेट की जो डेफिनेशन है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है सर अपना लिमिट पॉइंट्स के ऊपर। तो क्या कहता है डेफिनेशन, इफ ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स इज अ मेंबर ऑफ द सेट। कहता है अगर कोई सेट ए है मान लो, और आप कह रहे हो कि वो एक क्लोज्ड सेट है, तो सर ए के कुछ लिमिट पॉइंट जो है वो रहे ही होंगे, क्या कहते हो, है ना? ए के जो भी लिमिट पॉइंट रहे होंगे, अब ये यहाँ पे कंडीशन है कि
कि वो लिमिट पॉइंट किसके अंदर मिलने चाहिए, ए के अंदर मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई लिमिट पॉइंट आपको ऐसा मिल जाए जो सेट के अंदर नहीं है। अगर ऐसा है तो सर फिर आप उसको जो है एक क्लोज्ड सेट की उपाधि नहीं देंगे। क्या बात समझ आई? क्लोज्ड सेट मान लो आप ए को जज कर रहे थे, तो आपने ये देखना है ए के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं क्या वो लिमिट पॉइंट ए के अंदर ही है। अगर ऐसा है तो बहुत ही बढ़िया है, तब तो आप कहोगे कि सेट कैसा है सर आपका, एक क्लोज्ड सेट है। अगर ऐसा नहीं है, एक भी लिमिट पॉइंट आपको ऐसा दिख जाता है जो ए का लिमिट पॉइंट तो है लेकिन वो ए के अंदर नहीं है, तो आप कहोगे जी अब वो सेट आपका एक क्लोज्ड सेट नहीं है। तो मैथमेटिकली देखो क्या कहते हैं, दस ए इज क्लोज्ड इफ ए का जो डिराइव्ड सेट है वो ए के अंदर मिले। और डिराइव्ड सेट सर आप जानते हो, डिराइव्ड सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, है ना। जो भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनके सेट को ही हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड सेट बोलते हैं। अब देखो आप सर एक बात समझना, हमने ओपन सेट समझा, हमने क्लोज्ड सेट का डेफिनेशन समझा, तो हमें ये थोड़ा सा आइडिया तो हो गया कि ओपन सेट और क्लोज सेट एक दूसरे के वो नहीं है, कि आप ऐसे समझो कॉम्प्लीमेंट टाइप नहीं है ना ये, कि अगर एक ओपन है तो वो क्लोज नहीं होगा, अगर एक ओपन नहीं है तो ज़रूरी है वो क्लोज ही होगा। बेसिकली ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, आप ऐसे बोल लो कि दोनों में से एक ही होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका डेफिनेशन ही कुछ ऐसा है। आप ये समझें सर कई सेट ऐसे भी हैं जो दोनों हो सकते हैं, तो कहता है देयर मे बी अ सेट विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। समझते हैं सर कौन से हैं ऐसे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप सर रियल नंबर्स को ज़रा देखें, रियल नंबर का जो केस है उसमें रियल नंबर का सेट अपने हर एक मेंबर का क्या रहता है, नेबरहुड रहता है, तो उस हिसाब से रियल नंबर का सेट कैसा हुआ जी, ओपन हो गया। आप देखें सर रियल नंबर के जो लिमिट पॉइंट है, हमने लास्ट क्लास में देखा था रियल नंबर का डिराइव सेट क्या रहता है, रियल नंबर ही रहता है, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो यानी रियल नंबर का जो सेट है वो ऐसा है, ये ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, समझ रहे हो ना सर? क्योंकि जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके की हैं कि सेट जो है वो दोनों ही हो सकते हैं। अच्छा फाई, फाई भी अपना एक कैसा है, ओपन सेट के अंदर भी आता है अपना ये, और क्लोज्ड सेट के अंदर भी आता है। चलो जी बहुत ही बढ़िया। इसके बाद देखो सर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देयर मे बी अ सेट विच इज नाइदर ओपन नोर क्लोज। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेट आपको ऐसा देखने को मिल ही जाए जो ना तो ओपन है ना क्लोज्ड है। अब एग्जाम्पल देख लो सर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो अभी हमने देखा कि रैशनल नंबर जो है वो ओपन तो नहीं होता, नहीं होता ना, क्योंकि रैशनल नंबर का सेट अपने मेंबर्स का नेबरहुड नहीं होता, ठीक है। अब आप ये देख लो रैशनल नंबर का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होता है, रैशनल नंबर तो नहीं होता, क्या कहते हो उस्ताद जी, होता है क्या? नहीं होता। तो रैशनल नंबर का जो लिमिट पॉइंट है वो रैशनल नंबर के सेट में नहीं मिलता, क्या कहते हो, मिलता है? नहीं मिलता ना। तो हम कहते हैं कि जो ये रैशनल नंबर का सेट है ये ना तो अपना एक ओपन सेट है और ना ही ये एक क्लोज सेट है। तो ऐसे भी सेट सर हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर मैं कुछ बोर्ड पे लिखता हूँ स्टेटमेंट या सेट समझ लो, और हम उनको जज करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्लोज सेट हैं या नहीं हैं, ठीक। अपना वही लॉजिक यूज़ करेंगे। तो पहला है जी इसके अंदर ये क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, दूसरा है ओपन इंटरवल ए बी, तीसरा है ये वाला, और चौथा है ये वाला, पांचवा देखो जी, पांचवा कहाँ गया, फाई और आर तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। और एक दो ऐसे हैं जिनके लिए हमें एक थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, वो थ्योरम अभी देखेंगे। और रैशनल नंबर का सेट अभी हमने देख लिया, ये ना तो ओपन है ना ही ये क्लोज्ड है, ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का सेट उसकी बात कर लेते हैं, और किसकी बात कर लेते हैं, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ
नेचुरल नंबर, और हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स, इंटीजर के सेट की, है ना, जेड की। तो पहले इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखें सर जी, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, तो क्या कहते हो सर जी, लॉक कर दिया जाए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी को? क्या ये अपना एक क्लोज्ड सेट है? हमने देखा था इसका डिराइव सेट यही आता है। तो यस, पहला जो है ये क्लोज्ड सेट की जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड कर रहा है, इसका मतलब सही है। ओपन इंटरवल ए कोमा बी, सर इसके अंदर देखो ए और बी लिमिट पॉइंट होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया है, लेकिन क्या ये लिमिट पॉइंट इस सेट के अंदर आ रहे हैं? आप कहेंगे जी नहीं आ रहे हैं, तो ये क्लोज्ड सेट तो बिल्कुल भी नहीं है। अगले पे आ जाओ सर, ये देखो इसके अंदर ए जो है वो एक लिमिट पॉइंट तो है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्या ए इस सेट के अंदर आ रहा है? आप कहोगे जी नहीं आ रहा है, तो ये भी क्लोज्ड सेट आपका नहीं है। देखो एक तरीका तो क्या होता है, ये होता है आप लॉजिकली ऐसे जज कर लें, एक क्या थ्योरम भी है, तो आपको जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगे ना आप वो यूज़ करना, दोनों ही सर वैलिड हैं, दोनों ही जेन्युइन है। अच्छा देखो ये वाला जो सेट है ये थोड़ा सा विचित्र है सर, कैसे? ये क्लोज्ड सेट तो नहीं है, ये आप तो समझ ही रहे हो। अब मेरा सवाल है क्या ये ओपन सेट था? आप कह रहे हो जी ये तो ओपन सेट भी नहीं था। तो देखो हमें एक और एग्जाम्पल मिल गया ऐसे सेट का जो ना तो ओपन है ना ही क्लोज्ड है। क्या इसका भाई ये भी ऐसा ही है? देखो ये भी ना तो ओपन है ना ये क्लोज्ड है, क्यों? क्योंकि आप देख ही लो भैया, क्लोज तो इसलिए नहीं है क्योंकि यह बी जो है वो एक लिमिट पॉइंट है, लेकिन बी इस सेट के अंदर नहीं है, और ओपन इसलिए नहीं है क्योंकि ए का नेबरहुड नहीं मिलता। तो ये भी अपना जो है वो क्लोज्ड सेट नहीं है और ना ही ये ओपन है, ठीक है जी। इरेशनल नंबर के अंदर आ जाओ, तो अगर आप देखोगे सर जी जो इरेशनल नंबर का सेट है, इरेशनल नंबर का सेट के भी जो लिमिट पॉइंट हैं वो उस इरेशनल नंबर से जो सेट है ना उसके अंदर नहीं मिलते, तो ये जो है वो कैसा है अपना, एक क्लोज सेट नहीं है और ये ओपन सेट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सर इसका जो नेबरहुड है वो तो, मतलब इरेशनल नंबर का जो नेबरहुड आता है वो इरेशनल नंबर में नहीं आता है, है ना, या ऐसा भी है, ये वाली बात है सर, सेट ऑफ रैशनल नंबर वाली जो है वो बिल्कुल इरेशनल नंबर के साथ है, कि ये ऐसे सेट हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर वाले, ये ना तो ओपन है और ना ही ये क्लोज्ड है, बहुत ही बढ़िया। नेचुरल नंबर पे आ जाओ सर जी, नेचुरल नंबर में अगर आप लिमिट पॉइंट देखोगे तो क्या होता है, फाइ, कोई लिमिट पॉइंट इसके अंदर होता ही नहीं है, क्या कहते हो सर जी, होता है क्या? आप कहोगे जी नहीं होता, तो नहीं होता तो इसका लिमिट पॉइंट क्या है, फाइ है। आप देखो फाइ जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर तो आएगा ही भाई, फाइ तो है वो हर एक सेट के अंदर ही होता है, तो यानी इसका जो क्या बोल दें हम, लिमिट पॉइंट है या डिराइव्ड जो सेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं ए डैश, तो इसका डिराइव सेट फाइ है और डिराइव सेट इस सेट के अंदर ही है, तो यानी ये कैसा सेट है अपना, एक क्लोज्ड सेट है, वेरी गुड। ये बताइएगा ये क्या चीज़ मेरे को समझ आई? इसको क्या है, अगर ये ऐसे नहीं समझ आता ना फाइ वाले मेथड से, तो थ्योरम से समझ लेंगे। अभी सर थोड़ी देर में हम थ्योरम देखते हैं, उससे हम समझ लेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो एक क्लोज्ड सेट की श्रेणी में आता है। इंटीजर्स की बात करें तो आप देखो सर, क्या सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है? आप कहेंगे नहीं करता, तो यानी इसका भी लिमिट पॉइंट फाइ ही है, और फाइ सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर आता है सर, हर सेट के अंदर आता है, तो इंटीजर का जो सेट है ये भी कैसा है आपका, क्लोज्ड ही सेट है। ये भी सर वही वाली बात है, देखो जैसे ये है ना फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और ये रैशनल नंबर, ये अगर आप ऐसे समझ पा रहे हो तो वेल एंड डन, मतलब वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं समझ पा रहे हो सर तब भी कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरम से समझ आ जाएगा। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसके बाद देखो अपने पास है अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, एक लास्ट स्टेटमेंट जो बचा है, लिखिएगा अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है तो मेरी बात समझना सर जी, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, वो ओपन सेट तो है नहीं। अच्छा नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है क्या? आप कहेंगे नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगेन लिमिट पॉइंट क्या होगा उसका, फाइ होगा, मतलब डिराइव सेट क्या होगा उसका, फाइ ही होगा।
और डिराइव सेट क्या उस फाइनाइट सेट के अंदर होगा? बिल्कुल होगा। तो यानी अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट किसका एग्जांपल है? क्लोज सेट का। समझ रहे हो सर जी? बहुत ही बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। वेरी गुड। देखो सर, समझ आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं समझ आता है कहीं कहीं कोई मसला रह जाता है, भाई सबका बुद्धि एक जैसा तो होता नहीं है। मान लो किसी को कोई मसला रह रहा है तो घबराने का ही नहीं है यार। मेरा नंबर है आप लोगों के पास, मतलब मेरा क्या, गुरुकुल ऑफ साइंसेस का नंबर है ये, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो भी क्वेरी पूछोगे सर आपको सुलझा ही दिया जाएगा। हाँ बस ये कॉल करने से पहले एक बार मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, तो उस हिसाब से क्या फिर मैं भी थोड़ा सा टाइम निकाल के आपसे अच्छे से बात कर ही पाऊँगा। तो उस्ताद जी देखें, जो थ्योरम की मैं बात कर रहा था वो ये है अपने पास थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है? अ सेट इज़ क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। कहता है अगर कोई सेट अपना क्लोज है ना तो वो सिर्फ तब है जब उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन है। तो इसको एक बारी प्रूफ हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बारी अगर आप डायरेक्टली ये कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो कि सेट ओपन है या क्लोज है, तो सर आप उसके कॉम्प्लीमेंट से भी उसको जज कर सकते हो। ठीक, तो अभी हम ऐसा मान लेते हैं, लेट सेट बी विच इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, है ना, विच इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो अपने पास कोई सेट बी है और सेट बी जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। बी क्या है अपने पास? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर अपना ए क्लोज्ड है, इफ सेट ए इज क्लोज्ड देन सेट बी इज ओपन, ये सर अपने पास कसौटी है। तो हमें क्या प्रूफ करना है जी? वी नीड टू प्रूव, लिख लेते हैं थोड़ा सा ठीक रहेगा, वी नीड टू प्रूव क्या? इफ सेट ए इज क्लोज्ड देन सेट बी इज ओपन, ये हमें प्रूव करना है। देन सेट बी इज ओपन। ठीक, अब देखो सर, हम एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं, लेट एक्स दैट बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक, हम एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जो सेट ए बी से बिलोंग करता है। तो अगर ये एक्स आपका बी से बिलोंग करता है, क्या इसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ दैट एक्स कैनॉट बी अ लिमिट पॉइंट फॉर ए? क्या कहते हो? अब आप कहोगे जी कैसे, देखो समझना, थोड़ा सा लॉजिकल है। हम क्या कह रहे हैं कि जो आपका x है वो किससे बिलोंग कर रहा है? b से बिलोंग कर रहा है सर जी। एक ऐसा सेट है, a एक ऐसा सेट है, अच्छा मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ कि x जो है वो a से बिलोंग नहीं करता, उसे b से बिलोंग करता है, तो बात और जो है वो स्पष्ट हो ही जाएगी। हम क्या कह रहे हैं कि सेट a अपना क्लोज्ड है। अगर सर सेट ए क्लोज्ड है तो उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए, बात मानते हो? उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट, जो भी है लिमिट पॉइंट, वो उसके अंदर ही होना ही चाहिए। अगर उसके बाहर आप कोई एलिमेंट कंसीडर कर भी रहे हो या कोई नंबर कंसीडर कर भी रहे हो तो वो उसका लिमिट पॉइंट तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर वाला लिमिट पॉइंट हो गया तो ए अपना क्लोज्ड कहाँ से रहा, सोचो ज़रा। तो ए अगर अपना क्लोज्ड है तो हम दावा ठोक के ये कह सकते हैं कि सारे के सारे ए के लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही रहे होंगे। तो जब एक्स अपना बी से बिलोंग कर रहा है तो ये बात साफ जाहिर है, क्योंकि एक्स अपना ए से बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब इस कंडीशन के मुताबिक अपना जो एक्स है वो एक ए के लिए लिमिट पॉइंट का तो काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो ए के लिए लिमिट पॉइंट का काम नहीं कर रहा है तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन, लेट से एक्स प्लस एप्सिलॉन, मान लेते हैं ऐसा,
इट्स डू नॉट कंटेन एनी वैल्यू ऑफ ए या एनी मेंबर ऑफ ए, ऐसा बोल ही सकते हैं, है ना। सब हम इस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या कह सकते हैं कि ज़रूर अपना फिर एक ऐसा एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो ओपन इंटरवल है उसका कोई भी मेंबर अपना ए से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो यानी अगर ये ए से बिलोंग नहीं कर रहा है तो किससे बिलोंग कर रहा होगा फिर? एक्स अपना बिलोंग करता है किससे? एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन। और ये अगर ए से बिलोंग नहीं कर रहा है तो ज़रूर किससे बिलोंग कर रहा होगा सर? बी से बिलोंग कर रहा होगा ये ओपन इंटरवल। भाई जाहिर सी बात है, दो ही सेट है, ए और बी, ए नहीं तो बी, क्योंकि बी उसका कॉम्प्लीमेंट है, और बी नहीं तो ए। तो यानी ये जो स्टेटमेंट लास्ट में निकल कर आया, अब इससे देखो क्या पता लगा, एक्स अपना एक आर्बिटरी पॉइंट है, कोई फिक्स तो है नहीं, और आप देख लो हर आर्बिटरी पॉइंट के लिए ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है जो बी के अंदर कंटेंड है। यानी अब ये समझ आ गया कि इस स्टेटमेंट के बेस पे हम ये बोल सकते हैं दैट बी इज़ अ ओपन सेट। ये मेरे को बताना कमेंट के अंदर, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते कि बी जो है अपना वो एक किसकी तरह काम कर रहा है? अब ओपन सेट की तरह काम कर ही रहा है। तो ये इस थ्योरम का कहना भी है, यहाँ पे जो है ये प्रूफ हो ही जाती है बात कि अगर ए अपना क्लोज सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ज़रूर क्या रहा होगा उस्ताद? ओपन सेट रहा होगा। और अगर आपका बी ओपन सेट आ रहा है, इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या मिलने वाला है आपको? क्लोज सेट मिलने वाला है। ठीक ही बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर। तो इसके बेसिस पे ना एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो तो उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लाइक जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि अपना ये एक क्लोज सेट है, ये क्लोज सेट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। तो अगर हम इसका वो लिखना चाहें क्या, कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? लेट से ये एस है, मैं एस का कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहता हूँ, सी लिख देता हूँ, एस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से ए ओपन इंटरवल यूनियन ए से, फिर कहाँ से चालू होगा? बी तो इंक्लूड है, तो बी से ओपन इंटरवल कहाँ से? प्लस इन्फिनिटी। आप देखो सर, ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, और अभी हम ये लिखेंगे कि दो ओपन सेट का यूनियन हमेशा क्या होता है? ओपन सेट होता है। तो यानी ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये एक ओपन सेट है। अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो आपका जो ओरिजिनल सेट है सर वो ज़रूर क्या रहा होगा? एक क्लोज सेट रहा ही होगा। तो क्या है? आप इस तरीके से भी जज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, कुछ आप स्टेटमेंट्स लिखें, फिर थोड़े से और सवाल जवाब करने हैं मैंने जो आप लोगों के साथ। ऐसे हेडिंग लिखिएगा सर, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या लिखना है हेडिंग? सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। वैसे तो देखो नोट्स में ना सब कुछ लिखा हुआ है, बट सर मेरा ऐसा मानना है, और मानना ही नहीं है केवल, ये मैं जो है खुद अपने ऊपर ट्राई करके देख चुका हूँ मेथड। आप किसी दूसरे के नोट्स को एज इट इज़ जो है वो मत पढ़ा करें, क्योंकि वो जो नोट्स हैं वो उस बंदे के ब्रेन के हिसाब से बने हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर जो पर्सन है, लेट से एक्स, एक्स का ब्रेन और आपका ब्रेन एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा हो, बहुत गैप हो सकता है उनके अंदर। तो ज़रूरी नहीं है जो नोट्स एक्स के लिए इफ़ेक्टिव है वही नोट्स आपके लिए भी इफ़ेक्टिव होंगे। इसलिए सलाह ये दी जाती है कि आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करें, इनको आप एज अ रेफरेंस मान सकते हैं बस, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक, पहला पॉइंट लिखिएगा सर, इसी बात पे लिखना, द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन, द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन, वेरी गुड। सेकेंड स्टेटमेंट लिखिएगा, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट, कि आपके फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट हैं उनका इंटरसेक्शन है, तो जो इंटरसेक्शन के बाद आएगा वो भी एक ओपन सेट ही आएगा। ठीक है, अगला लिखिएगा सर स्टेटमेंट, द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट, दो ओपन सेट जो हैं अगर आप उनका यूनियन लेते हैं
यूनियन के बाद सर जो तीसरा सेट आएगा वो भी क्या आएगा उस्ताद, अपना ओपन सेट आएगा। वेरी गुड, अगला लिखिएगा, द यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड सेट्स इज अ क्लोज सेट। दो क्लोज्ड सेट का अगर आप यूनियन लेते हैं तो सर जी तीसरा भी क्या ही आने वाला है, अपना क्लोज्ड सेट ही आने वाला है। दो पॉइंट और है, जल्दी से लिख लेते हैं फिर कुछ सवाल जवाब करते हैं। अगला स्टेटमेंट लिखिएगा, द इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज्ड सेट्स इज अ क्लोज सेट। दो क्लोज सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो सर वो एक क्लोज सेट आता है। वेरी गुड, एवरी ओपन सेट इज अ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। हर ओपन सेट जो है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल्स का यूनियन। ठीक, जैसे ये अपना ओपन सेट है तो यूनियन है बेसिकली ओपन इंटरवल्स का। ठीक है, अब सर देखो जैसे सामने एक सवाल है इसी स्टेटमेंट के ऊपर, कहता है जी जी अपना सेट है, आप जी को जज करें जी ओपन सेट है या नहीं है। मैं लिखता हूँ इंटरवल क्या गिवन है अपने को, तो सर आपके अकॉर्डिंग जी क्या होना चाहिए, ये देखो ये भी ओपन, ये भी ओपन, ओपन ओपन यूनियन, जी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली ओपन। वेरी गुड, अब सर कुछ स्टेटमेंट हैं ये जस्टिफिकेशन वाले हैं, ट्रू फॉल्स वाले हैं, इनमें आपको जो है सर बहुत मज़ा आएगा। तो मैं वन बाय वन स्टेटमेंट बोलूँगा, पहले आप लोग गैस करिएगा उसके बाद आप आंसर देखिएगा, है ना, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, सुनना ध्यान से, कहता है आपको यस और नो में आंसर देना है और काउंटर एग्जाम्पल देना है अगर आप नो को सपोर्ट करते हो तो। ठीक है, कहता है इज अ सबसेट, ध्यान से सुनना, इज अ सबसेट ऑफ एन ओपन सेट ओपन, इज अ सबसेट ऑफ एन ओपन सेट ओपन। क्या किसी ओपन सेट का सबसेट, ये जरूरी है ओपन होगा, क्या है आपका आंसर बताओ, क्या किसी सेट का सबसेट, मतलब क्या किसी ओपन सेट का जो सबसेट है वो भी ओपन होगा, क्या ये बात जरूरी है। तो आंसर क्या आएगा सर इसका, पहले स्टेटमेंट का स्टेटमेंट क्या है, इज अ सबसेट ऑफ एन ओपन सेट ओपन, तो पहले स्टेटमेंट का आंसर आएगा मेरे हिसाब से नो। आप कहेंगे जी क्यों, देखो जी ये एक ओपन सेट है, आप मानते हो इस बात को, है इसका एक सबसेट कंसिडर करते हैं, ये सबसेट है इसका 2,3, ये है सबसेट, लेकिन क्या ये जो सबसेट है ये आपका ओपन सेट है, आप कहेंगे जी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस सेट में 2 और 3 का नेबरहुड जो है वो ये सेट नहीं है, है ना, 2 और 3 का आप देखोगे तो नेबरहुड नहीं है, सीधी सी बात है भैया ये एक ओपन सेट नहीं है, लेकिन ये इसका सबसेट तो था। तो पहला स्टेटमेंट अपना क्या हो गया सर जी, गलत साबित हो गया, देखो चलो जी बहुत बढ़िया। सेकेंड स्टेटमेंट लिखिएगा, इज अ सुपर सेट, इज अ सुपर सेट ऑफ एन ओपन सेट ओपन। क्या ये बात जरूरी है कि किसी ओपन सेट का सुपर सेट ओपन हो, क्या कहते हो, जरूरी है, तो आंसर क्या आएगा सर नो। कैसे, देखो अपने पास एक सेट है, ओपन सेट कंसीडर करते हैं लाइक 2,3, ये आपका क्या है एक ओपन सेट है, इसका सुपर सेट आप ये ले लो क्लोज इंटरवल 1,5, भाई सुपर सेट तो है ही, ये ओपन सेट का सुपर सेट अब ओपन नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। हमेशा नहीं हो सकता ना ऐसा, हाँ मे और मे नॉट भी हो सकता है, बट हमेशा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट सुनो, कैन अ फाइनाइट सेट बी ओपन। क्या कोई फाइनाइट सेट ओपन हो सकता है, सर सुनते ही जवाब आएगा कि ये तो भैया घोर पाप वाली स्टेटमेंट कह रहा है, कोई फाइनाइट सेट ओपन कैसे ही हो सकता है, लेकिन फाइनाइट के साथ में सर एक शब्द है जो गायब है, नॉन एम्प्टी, तो यहाँ पे दोनों केसेस पॉसिबल हैं, सेट आपका फाइनाइट तो है साथ में वो एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। अगर वो सेट एम्प्टी है दैट इज़ फाई, और हम जानते हैं फाई एक ऐसा सेट है जो ओपन भी है क्लोज भी है, तो आंसर क्या आ गया, यस। स्टेटमेंट फिर से सुनो, कैन अ फाइनाइट सेट बी ओपन। क्या कोई फाइनाइट सेट ओपन हो सकता है, हो सकता है अगर वो फाइनाइट सेट फाई हो तो, बिल्कुल सही है। उसने ये कहीं भी नहीं बोला था स्टेटमेंट के अंदर कि आपने जो है वो नॉन एम्प्टी सेट ही लेना है,
अगला स्टेटमेंट सुनो इसी बात पे, कैन अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट बी ओपन। अब आ गया देखो जी, क्या कोई फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ओपन हो सकता है? अब कहेंगे जी ये तो गलत बात है, तो आंसर क्या है इसका, नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। पांचवी स्टेटमेंट पे आ जाओ, स्टेटमेंट कहता है सुनना, इज अ सबसेट ऑफ क्लोज्ड सेट क्लोज्ड। क्या किसी क्लोज्ड सेट का जो सबसेट है वो क्लोज होगा? आंसर होगा नो। क्यों? मान लो अपने पास क्लोज सेट है 1.5, इसका एक सबसेट ले लो 2.3, क्या ये क्लोज्ड है? आप कहेंगे जी नहीं है, ये तो क्लोज्ड था लेकिन उसका सबसेट जो है वो क्लोज्ड नहीं है। छठा स्टेटमेंट, इज अ सुपर सेट ऑफ अ क्लोज्ड सेट क्लोज्ड। क्या किसी क्लोज्ड सेट का सुपर सेट क्लोज्ड होगा? ये मे और मे नॉट वाले केसेस नहीं है, डायरेक्ट पूछ रहा है क्या होगा, मतलब हर बार होगा क्या? मे और मे नॉट भी बोलेगा सर तो सारी ही बात सही हो जाएंगी फिर तो। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि क्या किसी क्लोज्ड सेट का सुपर सेट क्लोज हो सकता है? तो आप क्या कहेंगे जी, नो, ये जो है स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने पास एक सेट है, लेट से 1.2, ये क्लोज सेट है और इसका सुपर सेट है 0 से 5, लेकिन सेट तो क्लोज था लेकिन जो उसका सुपर सेट है वो क्लोज्ड नहीं है। बहुत बढ़िया, अगली स्टेटमेंट पे आ जाओ, कैन अ फाइनाइट सेट बी क्लोज्ड। क्या कोई फाइनाइट सेट क्लोज्ड हो सकता है? हो ही सकता है, फाइनाइट सेट है यस, अब वो एम्प्टी होगा, मान लो 5 है तब भी वो क्लोज्ड है, 5 नहीं है तब भी वो क्लोज्ड है, अभी हमने देखा है। चलो जी बढ़िया, अगला स्टेटमेंट सुनो, कैन अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट बी क्लोज्ड। क्या कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट क्लोज्ड हो सकता है? होता ही है इसमें तो पूछना क्या है। तो आज फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैसे ही यस है, क्योंकि कोई भी जो फाइनाइट सेट है उसका लिमिट पॉइंट क्या रहता है, 5, और 5 उस सेट के अंदर ही होता है, समझ रहे हो बात को। एक लास्ट स्टेटमेंट सर जी, 9th, कहता है इज एवरी इनफाइनाइट सेट क्लोज्ड। क्या हर इनफाइनाइट सेट जो है वो क्लोज्ड रहता है? नहीं रहता, घोर पाप। क्यों सर? ये देखो ये इनफाइनाइट सेट है, बट क्या ये क्लोज्ड है? इनफाइनाइट सेट मतलब नंबर ऑफ मेंबर जो है वो इसके अंदर इनफाइनाइट होंगे, होंगे ही, आप समझते ही हो रियल नंबर है, लेकिन क्या ये क्लोज्ड है? आप कहेंगे जी नहीं है। तो समझ गए सर जी, देखो 9 स्टेटमेंट थी ये सही गलत वाली। तो उम्मीद करता हूँ सर आपको इनमें थोड़ा सा मज़ा आया होगा और आपको स्टेटमेंट भी समझ आई होंगी अच्छे से। तो आज के लिए सर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, वेरी गुड। आज देखो मेरी तरफ से इतना ही था, ओपन सेट क्लोज सेट सर हमने कवर कर लिया, अच्छे खासे उस पर क्वेश्चन देख लिए हैं, लॉजिकल क्वेश्चन भी देख लिए हैं, थ्योरम भी देख लिया है, ये सब आपको समझ आया है। लेकिन चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सर जी चीटिंग है, ऐसे काम नहीं चलेगा, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। वीडियो समझ आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था सर, मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।